गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी को पार्टी को गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे तो बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी ने दावा किया है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुँचते ही स्थानीय पुलिस ने अहमदाबाद के नवरंगपुर इलाके में पार्टी कार्यालय पर छापा मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि जब आप पदाधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि छापेमारी किसने की और वास्तव में हुआ क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रविवार शाम अहमदाबाद पहुंचे और उनका सोमवार और मंगलवार को ऑटो रिक्शा चालकों, व्यापारियों, वकीलों और सफाई कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल में बैठक करने का कार्यक्रम है। आपके राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव गढ़वी ने रविवार देर रात एक ट्वीट में कहा कि केजरीवाल के यहाँ पहुंचते स्थानीय पुलिस ने अहमदाबाद में आप कार्यालय पर छापा मारा। वे 2 घंटे तक कार्यालय की तलाशी लेने के बाद चले गए क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिला। सेम उसी तरह जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के लोकर में उनको कुछ नहीं मिला था। अब यहाँ पर यही बातें सामने आ रही कि इसका मतलब क्या माने, इसका मतलब यही मान लेना चाहिए कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को नीचा गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। गुजरात में आप दफ्तर में इस तरीके के छापा पड़वाने का क्या मकसद है? क्या यहाँ पर बीजेपी चाह रही है कि अगर इस तरीके के छापे पड़वाएंगे तो यहाँ दफ्तरों में कुछ मिलेगा, बैंक लॉकर्स में कुछ मिलेगा? लेकिन बीजेपी का ये सोचना वाकई में बहुत ज्यादा गलत है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरक्की को देखकर उनके होश उड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पूरी टक्कर गुजरात के अंदर दी हुई है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में यहाँ गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है और इसका फर्क सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर आ सकता है। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद बीजेपी खुद ही अपनी नजरों में कहीं ना कहीं गिर जाएगी और जनता और तमाम पार्टियों की नजरों में भी गिर जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले मनीष सिसोदिया के लोकर पर छापा पड़वाना, उसके बाद अब यहाँ आपके दफ्तर में छापा पड़वाना, और जबकि ये मालूम था कि केजरीवाल यहाँ अहमदाबाद में है ठहरे हुए हैं, फिर भी इसके बाद इस तरीके के छापा पड़वाना आखिरकार क्या कहलाएगा? ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।